नमस्कार, मैं दिबांजलि मोइत्रा। अमेरिका में चुनाव नवंबर में और अभी से डेमोक्रेट और रिपब्लिक के बीच तलवारें निकल चुकी और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जारी है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बड़ी बात कही। मीडिया से बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर वो दोबारा चुने जाने में नाकाम होते हैं तो ये देश के लिए बुरा होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने सार्वजनिक तौर पर ऐसा पहली बार कहा है। यहाँ पर एक बात आपको बताते चलें कि ट्रंप के प्रतिद्वंदी बिडेन ने आशंका जताई थी कि ट्रंप चुनावों में धांधली कर सकते हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर ट्रंप हार जाते हैं तो वो आसानी से अपना ऑफिस नहीं छोड़ेंगे। अगर ऐसा होगा तो सेना को उन्हें व्हाइट हाउस से बाहर निकलवाना पड़ेगा। इसी आरोप पर ट्रंप से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अगर वो चुनाव हार जाते हैं तो वो शांति से ऑफिस छोड़ देंगे। राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के ट्रंप का सामना डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार और पूर्व उपाध्यक्ष जो बिडेन के बीच है। अमेरिका में इस साल नवंबर में चुनाव होना है, लेकिन हालिया घटनाओं जैसे कोरोना वायरस महामारी के कारण अमेरिका में 1,00,000 लोगों की मौत हो चुकी। अर्थव्यवस्था में हुए नुकसान के चलते 4 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए और अफ्रीकी अमेरिकी मूल के अश्वेत जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस हिरासत में मौत के बाद बढ़ती सामाजिक अशांति के माहौल में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होगा। इसी को लेकर राजनीतिक विश्लेषक और जानकार आशंका जता रहे हैं कि अमेरिकी जनता नाराज है और इसको लेकर ट्रंप को सबक सिखा सकती है।